नमस्कार, मेरा नाम है सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। राजधानी दिल्ली NCR में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण काफी बढ़ गया। पटाखों पर रोक के बावजूद दिल्ली में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। यही हाल नोएडा और गुरुग्राम में भी रहा। दिल्ली में पहले ही प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ था और अब दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। दिवाली के दिन शाम के वक्त से प्रदूषण का लेवल बढ़ना शुरू हो गया था। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अगले कुछ दिन दिल्ली नोएडा में धुंध की चादर देखने को मिल सकती है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई गई थी कि दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। प्रदूषण का लेवल दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती है, खासकर ऐसे लोगों की जिनको सांस से संबंधित कोई बीमारी है। स्विट्जरलैंड के संगठन IQAir के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को दीपावली के अवसर पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में आज AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रहा। 323 बहुत ही खराब स्तर माना जाता है। आपको बता दें, पूरे दिल्ली का हाल है। कुछ इलाकों में AQI 400 को भी पार कर गया है। नोएडा में भी प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है और यहाँ AQI 342 है। वहीं गुरुग्राम में आज AQI 245 है। आपको बता दें, 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 50 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 200 से 300 को खराब और 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को पहले ही लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के बढ़ते लेवल को देखते हुए ग्रैप के दूसरे फेज को लागू कर दिया गया है। निर्माण कार्य के अलावा कई दूसरी गतिविधियों को लेकर पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर रोक थी, इसके बावजूद पटाखे जलाए गए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार ने कैसी तैयारी की, जब पटाखा पूरी तरह से बैन था फिर भी लोगों ने पटाखे कैसे फोड़े। दिल्ली सरकार इसको लेकर सही कदम उठाने में नाकामयाब रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी तरह से पटाखा बैन किया गया तो लोगों के पास पटाखा कैसे आए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि नोएडा में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का भी फैसला किसी ने नहीं माना। या फिर कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर सही कदम उठाने में असफल रहे। तो वहीं लोगों को भी समझना चाहिए कि सरकार ने आम जनता यानी उनकी और उनके परिवार के लोगों की भलाई के लिए सरकार ने ये कदम उठाए थे। अगर उनके घर में सांस से संबंधित किसी को समस्या होगी तो उन्हें भी दिक्कत होगी। यही नहीं, जब लोगों को पूरी तरह से पता है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण हो सकता है तो फिर भी लोगों ने ऐसा क्यों किया। ऐसे में यहाँ एक सवाल है कि जब पटाखे का निर्माण नहीं हुआ था उस वक्त लोग दिवाली कैसे मनाते थे? क्या बिना पटाखे के दिवाली नहीं मनाई जा सकती? ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज के साथ।